बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपने कई सर्किट डायग्राम देखे होंगे जिसमें दो तीन चार या पांच तक बैटरीज इकट्ठी गिवन होंगी, नहीं देखे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो जब दो दो तीन तीन बैटरीज कनेक्टेड हैं तो ना बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि क्या करना है इसका। फिर और भी कन्फ्यूजन तब क्रिएट हो जाती है जब बैटरीज उल्टी और सीधी कनेक्टेड होती हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस कुछ भी उल्टा सीधा। तो क्वेश्चन कैसे करना है इसके लिए आपको एक शॉर्टकट सीखना है, प्रूफ में बताता हूँ। सबसे पहले अगर तीन बैटरीज हैं एक क्वेश्चन में, मैं चाहूँगा कि तीन के साथ काम ना करूँ, मैं चाहूँगा एक बैटरी हो बस, तो मैं इक्विवेलेंट बैटरी की ईएमएफ निकाल लूँगा। तो तीन की जगह मैं एक बैटरी लगाऊंगा और उस एक बैटरी की ईएमएफ की वैल्यू को मैं निकाल लूँगा, फिर अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दूंगा। तो कैसे, जैसे मान लो दो बैटरीज हैं ई वन ई टू और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। ई वन की इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, ई टू की इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की कैपिटल आर है। ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है और सीरी कनेक्टेड है। मैं सीधी कनेक्टेड किसे बोलता हूँ, जब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कनेक्टेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बैटरी ऐसी कनेक्टेड हो प्लस एंड माइनस और दूसरी बैटरी कोई ऐसे कनेक्ट कर दे, उल्टी कनेक्ट कर दे। तो बैटरीज अब भी सीरीज में ही हैं पर टर्मिनल्स एक बैटरी के उल्टे कनेक्ट हो गए हैं, उसका क्या करना है थोड़ी देर में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर बैटरीज ऐसे कनेक्टेड हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपने क्या करना है, इसमें दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगानी है, उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालनी है। तो आप एक काम करें, कुछ ना करें, पहले किरचॉफ लॉ लगा दें। इमेजिन कर लें इस बैटरी में से आई करंट निकला, बैटरी के पॉजिटिव में से आई करंट निकला, वो आई करंट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से होता हुआ इसमें एंटर कर गया। बैटरी का तो सिंपल रूल है कि जितना करंट उसमें एंटर करेगा एक टर्मिनल से उतना ही बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर भी आई करंट गया और इसमें भी आई करंट गया, तो ये सही है ना। इसने आई करंट रिलीज किया तो इसको आई मिला, इसके अंदर आई एंटर किया तो ये आई बाहर छोड़ देगा। यानी कि सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है, आई की वैल्यू विल रिमेन सेम। किरचॉफ लॉ लगा दो। चलो किरचॉफ लॉ लगाते हैं। कहाँ से लगाना है? मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ और यहाँ से घूम के वापस आऊँगा। मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा? माइनस आई इंटू कैपिटल आर। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस आई इंटू आर टू। रास्ते में बैटरी आ गई, माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ तो प्लस ई टू। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस आई इंटू आर वन। फिर माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। तो मैंने एक लूप घुमाया, किरचॉफ लॉ लगा दिया। किरचॉफ लॉ लगा के मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में आई वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, और यहाँ से माइनस साइन जब यहां जाएगा ये सब प्लस हो जाएगा, तो करंट का फॉर्मूला आ गया। इस करंट के फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें, ये टर्म क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये टर्म क्या है? सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस। क्योंकि दो बैटरी सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल क्या आएगी? आर वन प्लस आर टू। तो हमने एक फॉर्मूला किया था, करंट इज टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक तरीके से ये मेरे पास क्या आ गई? इक्विवेलेंट ईएमएफ। मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूं कि अगर दो बैटरीज हैं ऐसे और आप इन दो बैटरीज को कनेक्ट करना चाहते हो सीरीज में या सीरीज में कनेक्टेड है, आप इसकी जगह एक बैटरी लगाना चाहते हो, कैपिटल आर रिमेनिंग द सेम, तो दो की जगह पे एक बैटरी लगेगी तो उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा? ई वन प्लस ई टू। और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की ऐड करके क्या बन जाएगी? आर वन प्लस आर टू। तो अब चेक करो, करंट इसमें भी सेम रहेगा, ई वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो शॉर्टकट ये है, अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, दो तीन चार बैटरीज हैं, आप सभी को सभी की ईएमएफ को ऐड कर दें और एक बैटरी लगा लें। तो क्या ये शॉर्टकट याद रहेगा? सीरीज के अंदर ऐड करके एक बैटरी की जो ईएमएफ होगी ई वन प्लस ई टू के इक्वल होगी, ये क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आपको एक बैटरी ई वन गिवन है आर वन, एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड है ई टू आर टू, और क्वेश्चन आ गया मुझे इसकी जगह एक बैटरी लगा के दो जो कि सेम काम करे जो दो बैटरीज करती हैं। तो याद रखना, अगर बैटरी एक उल्टी कनेक्ट हो चुकी है तो ईएमएफ ऐड नहीं होगी, ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगी। मतलब जो बैटरी उल्टी कनेक्टेड है उसकी ईएमएफ माइनस होगी। तो
या इन शॉर्ट एक काम करें, अगर एक सीधे एक उल्टी कनेक्टेड है तो आप बड़ी ईएमएफ में से छोटी ईएमएफ को माइनस कर दें। मान लो इसमें E2 बढ़ा या E1 बढ़ा है, तो जो भी इन्हें माइनस करके मॉड, मॉड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले लें, ईएमएफ नेगेटिव तो होती नहीं है, ईएमएफ पॉजिटिव है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करके नेट ईएमएफ आ गई, और रेजिस्टेंस तो इंटरनल सेम ही लेनी पड़ेगी, R1 प्लस R2 आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? तो अगर मान लो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है और सीधी कनेक्टेड है तो E1 प्लस E2, एक भी उल्टी कनेक्टेड है E1 माइनस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगी, R1 प्लस R2 आंसर है। तो आज के बाद दो बैटरी की जगह एक बैटरी का काम समझ में आ रहा है क्या करना है, ये टॉपिक है। और उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मान लो दो सेल्स हैं E1 A2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसने I1 करंट निकाला, इसने I2 करंट निकाला, दोनों मिल गए, टोटल करंट I1 प्लस I2 या I जो मर्जी बोलो, टोटल करंट I1 गया, यहाँ से I करंट एंटर हुआ, करंट डिवाइड हो गया, इसने क्योंकि I1 निकाला तो इसको I1 मिल गया, इसने क्योंकि I2 निकाला तो वापस इसको I2 मिल गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इसमें। आपने क्या करना है, दो सेल्स की जगह एक सेल लगाना है, इसका प्रूफ आता नहीं है, बता रहा हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने ये लूप ले लेना है, फर्स्ट बैटरी वाला, ये वाला फर्स्ट बैटरी के साथ कैपिटल R का लूप ले लेना है और इसमें किरचॉफ लॉ लगा देना है, लगा के देखें। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस I इंटू कैपिटल R, माइनस I1 इंटू R1, ये ना बैटरी आ गई माइनस से प्लस, तो प्लस E1 इक्वल टू जीरो। एक लूप आपने ये ले लिया, दूसरा लूप आप ये ले लें, अब सेकेंड बैटरी वाला लूप ले, ये वाला, ये वाला, पहले फर्स्ट बैटरी वाला, अब सेकेंड बैटरी वाला, या करेक्शन कर लें, ये E2 है, E2 मतलब सेकेंड बैटरी के साथ चल रहा है, ऊपर वाला फर्स्ट बैटरी और नीचे वाला सेकेंड बैटरी वाला, ये लूप है। किरचॉफ लॉ फिर से लगा दें, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस I into R, माइनस I2 R2, करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस I2 R2, माइनस से प्लस है तो प्लस E2 इक्वल टू जीरो। चलो आपने दो लूप्स ली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों इक्वेशंस आपने एक के नीचे एक लिख ली, ऊपर वाली इक्वेशन में R1 आ रहा है इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली इक्वेशन में R2 आ रहा है इसको R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करके आप दो नई इक्वेशंस आ गई, दोनों को आपने ऐड कर लिया, ऐड करके ये इक्वेशन आ गई, ये नेगेटिव वाली टर्म राइट पे ले गए, आई कॉमन निकाल लिया, आई को एक तरफ, ये टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, आएगा नहीं प्रूफ नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर लिया, तो ये तो एज इट इज ऐसे हो गया, ये 1 हो गया, और ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो गया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। कैसे आ गया, ध्यान से देखो, टोटल करंट सर्किट में क्या होता है, टोटल EMF बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दो सेल्स क्योंकि पैरेलल में थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल क्या बनेगी, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, एक्सटर्नल कैपिटल R है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल ये इंटरनल, तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ बन गई, ई इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बन गया, ये रहा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और कई बुक्स में ये भी लिखा होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को R1 R2 से डिवाइड कर दो तो ये टर्म बन जाएगी E1 बाय R1, E2 बाय R2, 1 बाय R1, 1 बाय R2। तो आप प्लीज़ फॉर्मूला रजिस्टर में ये एंटर करें, जब सेल्स पैरेलल में हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ का पहला फॉर्मूला या दोनों फॉर्मूला नोट करें, पहला दूसरा दोनों एक ही बात है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बिकॉज बोथ बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर आएगा। यूज़ कैसे करना है अभी बताऊंगा, ये फॉर्मूला को पहले नोट करें फिर बताता हूँ यूज़ कैसे करना है।
फिर से। हाँ, सीबीएसई आएगा, ये सीबीएसई टॉपिक है ये। बैटरीज इन सीरीज एंड पैरल आना एक आम बात है, ये आता है सीबीएसई के अंदर, आएगा ना, प्रूफ नहीं आता, क्वेश्चन आएंगे, अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद जो शीट है वो आएगी। अभी कंपटीशन चल नहीं रहा वैसे, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है। आप ये ना दे, और ऑब्जेक्टिव है हमारा, कंपटीशन नहीं है ये, अभी लेवल पूरा सिर्फ एनसीईआरटी लेवल है, अभी एक हफ्ता यही चलना है, ये बंद नहीं होना अभी, अभी मत शुरू करना, मैं जब कहूँगा तब शुरू करना कंपटीशन का। अभी एक बार पहले इसकी टेस्टिंग ले लें, अगली बार टेस्ट स्टार्ट है, आज नहीं है, अगली बार से शुरू करूँगा, एक सैटरडे एक संडे, तब जाके थोड़ा स्टार्ट होगा, अगला हफ्ता और लगेगा सीरीज पैरेलल का, उसके बाद स्टार्ट होगा, बता दूंगा कब स्टार्ट होगा। अभी इसी बेसिक क्वेश्चन पर ट्राई करें, देखो इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको वो कहेगा कि एक सेल है, ये देखो एक सेल है, 5 वोल्ट का सेल है, और एक और सेल है 7 वोल्ट का सेल है, प्लस माइनस, ये सेल बिल्कुल सीधे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी 2 ओम है, इंटरनल इसकी 3 ओम है, ऐसे। वो कहेगा दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगाओ, तो दो बैटरी की जगह जब एक बैटरी लगेगी कनेक्टेड विथ 5 ओम, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आएगी, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो आप इसमें क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे 5 × 3 + 7 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2, मतलब इसको E1 मान लें, R1 मान लें, E2 मान लें, R2 मान, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, और इंटरनल तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, 2 × 3 / 2 + 3, ये इक्विवेलेंट बैटरी की वैल्यू आएगी, फिर जो निकालना है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो 3 सेल होते तो फॉर्मूला ही फेल था, क्योंकि तो फॉर्मूला 2 के लिए चल रहा है, E3 को कैसे एडजस्ट करोगे R1 में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ 2 सेल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन क्वेश्चन में तो 10 10 सेल्स आएंगे, तो फिर ये फॉर्मूला एक्सपेंडेबल है, ये लगेगा E1 / R1 E2 / R2 E3 / R3 / 1 / R1 1 / R2 1 / R3, समझ में आ रहा है यहां तक, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, इसलिए ये फॉर्मूला इस फॉर्म में करवाया क्योंकि एक्सपेंडेबल है, और इसीलिए इसी फॉर्म में करवाया क्योंकि एक्सपेंडेबल है, एक और रेजिस्टेंस होगी 1 / R3 कर देना, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, हाँ रिवर्सिबल केस आएगा तो बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर देंगे, करेंगे, अगर उल्टी बैटरी है तो E1 - E2 हो जाएगा, ठीक, दिखाऊंगा अभी करके, रुको यहां तक क्लियर है, अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं।